कैसे लेते हैं सुहाग, किस हाथ से लेते हैं और क्या क्या इसकी महिमा है? इसकी महिमा ये है, जब शंकर पार्वती जी अपने गणगौर तीज पर आ रही थी तो पार्वती जी ने कहा अब क्या शंकर जी बोले अब क्या करोगे, सब जनता आ गई है, सुबह अपना बना बना के ले आएंगे कुछ भी था और चढ़ा दिया, नीचे जा रही थी सब वो ऐसे कर रहे थे। अब जब सवर्ण लोग आई सब वो तैयारी करके सज बज के आई तो उन्होंने कहा पार्वती जी अब क्या करोगे, उन्होंने तो सब सुहाग दे दिया, बोले अरे उनको तो उनकी सुहाग दिया है ये तो अपना हम अपना सुहाग देंगे इनको, तो उन्होंने अपनी छिंगली की वो काट के उससे अपने रक्त से वो सुहाग दिया, सब ऊपर छिड़क दिया, जिसके ऊपर जितना पड़ा उसको सुहाग, इसलिए छिंगली से लेकर सुहाग देगा। और किस हाथ से? बाएं हाथ। बाएं हाथ, अच्छा, मतलब बाएं। और भगवान को किस हाथ से चढ़ाते हैं? दाएं हाथ से भगवान को चढ़ाते, बाएं हाथ की सीधे से सुहाग। अच्छा, तो ये देखिए दाहिने हाथ से ये चढ़ा रहे हैं और अब ये बायां हाथ का ये पल्लू इन्होंने ले लिया है और ध्यान से देखिए ये लेते हैं।